तो दोस्तों बजट की चीजें आपके सामने लाने की हमने मुहिम छिड़ी हुई है और मुहिम का छिड़ी हुई है, इसी चीज से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। मेरे पीछे आप बैकग्राउंड देख रहे हैं, साइड की दीवारें देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर अपार्टमेंट है, मेट्रो के बिल्कुल नजदीक है और बजट की चीज है आपके सामने। बजट बहुत ही इतना बढ़िया, आपके सुन के हैरान हो जाओगे। सबसे बड़ी चीज क्या है, सिंगल यूनिट है, यानी एक पे एक ही फ्लोर बना हुआ है, टू साइड ओपन है, आपके बजट के अंदर है, लोन इसके अंदर 90% है। तो की हाल चाल, सत श्री अकाल आदाब, नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल संजय ग्रोवर। 3 BHK फ्लैट, टू साइड ओपन, सिंगल यूनिट, द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन से बिल्कुल सीधा रास्ता, कहीं राइट लेफ्ट नहीं होना। मेरे पीछे देख रहे हैं, शानदार का एल टाइप का ये सोफा लगा हुआ है, और देखिए नीचे कोई आ रहा है, वीडियो कैमरा लगा हुआ है, आपके घर में सिक्योरिटी पर्पज की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आसपास की लोकेशन बहुत बढ़िया है, आसपास की लोकेलिटी रहन सहन मैं कहता हूँ मजा आएगा रहने का, एक भी प्लॉट खाली नहीं है आसपास, सारे बने हुए घर है, सारे टोटल बने हुए हैं। मैं कहता हूँ 3 BHK का सिंगल यूनिट आपको बजट में मिल जाए 40-42 की रेंज में, मैं कहता हूँ मिल नहीं सकता, पूरा बाजार ढूंढ लेना। बहुत ही शानदार फ्लोर है, मेरे पीछे देख रहे हैं कितना शानदार काम किया हुआ है। मैं कहता हूँ किसी काम के बारे में बोलूंगा नहीं, मैं वीडियो में दिखाता चला जाऊंगा और वीडियो लंबे नहीं करूंगा। लूवर्स लगे हुए हैं, शानदार वॉलपेपर लगा हुआ है, सीढ़ी लगे हुए, झूमर लगे हुए, पंखे लगे हुए हैं, पीछे सिक्योरिटी पर्पज के लिए कैमरा लगा हुआ है, एल टाइप का सोफा लगा हुआ है, और मैं इस साइड की वॉल पे पूरा LCD पैनल लगा हुआ है। बेडरूम अगर मैं दिखाऊं, बेडरूम देखिए कितना प्यारा और सुंदर बेडरूम है, ये देखिए स्टूडियो अपार्टमेंट सा बढ़िया सा आपके सामने बेडरूम बना हुआ है, आपके सामने अलमीरा लगी हुई है, बेड बिछा हुआ है, मेरे पीछे वॉशरूम बना हुआ है, स्लाइडिंग सा डोर लगा हुआ है, पीछे देखिए पूरी वेंटिलेशन आ रही है। ये बैक वाली गली है, अभी आपको मैं फ्रंट वाली गली दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। वापिस हम ड्राइंग रूम में आगे, मेरी कोशिश पूरी होती है कि आपको नक्शा समझाता चला जाऊं। ये था ड्राइंग रूम, पीछे हमने बेडरूम देख लिया, किचन देख लिया, ये तो कितनी खूबसूरत बनी हुई है। सिंगल यूनिट में इतना सारा चीजें मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, पेंट्री बनी हुई है, सारा ग्लास का काम किया हुआ है, एल टाइप की किचन होगी, बाहर पूरा हमने पार्टीशन दिया हुआ, जो होम डेकोर्स की चीजें लगी हुई है, बीच में जो गैलरी बनी हुई है कितनी प्यारी खूबसूरत सी, हमने ये ग्रीन और ब्लैक कलर का मैट लगाया हुआ है, बीच में ये डिजाइनिंग दी हुई है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई सीनरी लगा सकते हैं या होम डेकोर्स की कोई भी आइटम लगा सकते हैं। अब मैं आ रहा हूँ सेकंड बेडरूम के अंदर, सेकंड बेडरूम देखिए कितना ही प्यारा सुंदर बेडरूम है, यहाँ भी अलमीरा यहाँ भी बनाई है और ऊपर भी हमने स्पेस दिया है ताकि आपको एक एक चीज किसी चीज से कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। और LCD पैनल दिखाऊं तो बहुत ही प्यारा और सुंदर LCD पैनल भी लगा हुआ है इस कमरे में। वेंटिलेशन के हिसाब से देखूं तो पीछे ये शाफट बनी हुई है, जो खोलोगे तो पूरी वेंटिलेशन आ जाएगी, नीचे चार्जिंग पॉइंट, ये स्लैब, हर चीज हुई है। ये था आपका दूसरा बेडरूम। अगर मैं तीसरे बेडरूम की बात करूं जिसके अंदर फ्रंट की बालकनी है, तो दोस्तों ये रहा तीसरा बेडरूम, इसके भी हमने अंदर स्टोरेज की पूरी अलमीरा दी है स्टोरेज के लिए, और किसी चीज को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। डबल बेड लगा हुआ है, फर्नीचर इसीलिए लगा होता है दोस्तों ताकि आपको स्पेस समझ में आए, ताकि आपको ये ना लगे कि कमरे छोटे बड़े तो नहीं है। अगर आप फ्रंट की बालकनी की बात करूं तो मैं गली भी दिखाऊंगा, पूरी लोकेशन भी दिखाऊंगा। मेरे बड़े सारे व्यूअर्स कहते हैं आप गली नहीं दिखाते, कुछ चीज दिखाते नहीं है, लेकिन कई बार चीजें रह जाती हैं, ठीक है दोस्तों। ये ग्लास का काम क्यों हुआ है, सारी फिटिंग की हुई है। अब मैं फ्रंट की गली दिखाऊंगा, फ्रंट की गली दिखाऊंगा कितनी साफ सुथरी लोकेशन है, ये देखिए पूरी गली की। ये सीधा द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन से सीधे रास्ता आ रहा है, अटैच वॉशरूम मैंने आपको दिखा दिया। कॉमन वॉशरूम की बात करूं तो स्पेस बहुत बड़ा है, वॉशिंग मशीन भी इसके अंदर आ जाएगी, वैसे वॉशिंग मशीन आप बालकनी के अंदर भी रख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये सारी वीडियो थी, मैंने ज्यादा लंबी नहीं की, मैंने पहले बोल दिया था, सिंगल यूनिट का फ्लोर, रेट बहुत ही रिजनेबल, बहुत ही प्यारा फ्लैट है, ये आपके बजट में आएगा, सबसे बड़ी कनेक्टिविटी हर चीज इसके अंदर आपको मिलेगी। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज मुझे कॉल करके जब मर्जी पूछ सकते हैं, और भी कोई क्वारी हो तो मुझे चैट करके भी पूछ सकते हो, कभी भी आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, यहीं पर खत्म करूंगा, क्योंकि फ्लैट बहुत ही सुंदर है, आप आओगे कुछ चीजें आपके लिए छोड़ दी हैं कि आने के बाद पता चलेंगी। तो दोस्तों आना जरूर, मिलना जरूर, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, मजा आएगा दोस्तों। थैंक यू, नमस्कार।